बावजुदास से वाल्मीकि मंदिर की सेवा संभाल करते हुए गुजरे हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट्स यहाँ गुजरी हैं, आज तक किसी ने हमारी तरफ कोई नज़रसानी नहीं कि मैं एक हूँ और मेरे रूप अनेक हैं। जो अल्लाह ने जहाँ जिसको पैदा कर दिया वो कानून इलाही है। इसका मतलब ये है कि मैं खुद गया हूँ, भगवान ने जहाँ मुझे भेजा है मैंने उसके कानून को तोड़ के अपनी मर्ज़ी का कानून बना के अपनी मर्ज़ी से जहाँ चला गया। ऐ भगवान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान से प्यार करो इंसानियत से प्यार करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आर्य भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं नीला गुंबद वाल्मीकि मंदिर में मौजूद हूँ और आज हम उनसे जानेंगे इसकी हिस्ट्री के हवाले से और जो हिंदी कम्युनिटी को मसाइल दरपेश हैं इस हुकूमत में के हवाले से भी बात करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त पंडित लाल खोखर मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। सब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कब से इस मंदिर में मौजूद हैं और ये मंदिर जो है कब से यहाँ पर मौजूद है, इसकी हिस्ट्री के हवाले से हमें बताएं। ओम नमो वाल्मीकाय नमः, वही एक तेरे नाम की टेक, सच्चे दरबार की जय, हरि ओम, शांति शांति शांति। मेरे तकरीबन कोई 25-26 साल से बावजुदास से वाल्मीकि मंदिर की सेवा संभाल करते हुए गुजरे हैं। तो अपना इसका जो उम्र इसके मंदिर की, कम से कम सबसे पहले तो ये सनातन धर्म के वाले से यही मज़हब था और 1200 साल पुराने इसका हिस्ट्री है। तो इसका सिलसिला तमीर व तरक्की का, या जैसे भी हम लोग अपने एक कंबाइंड चंदा का सिलसिला, बिजली के बिल, इसकी तमीर व तरक्की, ये सब सिलसिला उसी चंदे से हमारा होता है। एक मधु से फैमिलीज़ हम लोग हैं जो हर महीने के महीने जो है ना देते हैं, तो सिलसिला चलता है। आपने ये बताया कि ये 1200 साल पुराना मंदिर है, तो 12 साल पुराना मंदिर होने के नाते से मुझे ये बताइए आप कि कौन कौन से लोग यहाँ पर आए, कौन कौन से पंडित यहाँ पे रहे और किस तरह ये इबादत का सिलसिला चलता रहा। पिछली जो हुकूमतें गई हैं उन्होंने मंदिर में, इसकी कोई तामीर में, इसकी कोई आराइश में कोई आप लोगों की मदद की है, नहीं की। बुजुर्गाने दीन के पंडित साहबान थे, वो आत्माराम एक पंडित थे और सेवाराम, वो भी खिदमत यहाँ करते रहे हैं आज से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बनने से पहले से। अब उन्हीं के सिलसिले में उनकी औलाद जो है ना वो आगे से मंदिर के सिलसिले को चला रही है। और जितनी भी गवर्नमेंट्स यहाँ गुजरी हैं आज तक किसी ने हमारी तरफ कोई नज़रसानी नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि 47 से बाद में अभी तक जो इसका स्टेटस है, हालात, ज़िंदगी, इसकी लोकेशन को आप देखें, वही के वही हैं। और हम मनाटी इतना नहीं अफोर्ड कर सकती कि हमारे पास ताकत नहीं है कि हम एक ईंट भी लगा सकें। हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे हम चंदा जमा करते हैं, तो जो भी इसके अखराजात हैं हम उनसे पूरे करते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो मिनोरिटीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं उनको फंड्स देते हैं आपकी इबादत के लिए, उनमें से कोई मिनिस्टर आपकी, एक तो उनका नाम बताएं कौन से मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी के आपके, और उनको जो फंड्स मिलते हैं उनमें आपकी कहां तक दादरसी होती है। हमारे जो इस वक्त माइनॉरिटी के मिनिस्टर एजाज आलम, इन्होंने बकायदा खुद आए भी, उन्होंने ऐलान भी किया कि आने वाले होली को हम बड़े अच्छे तरीके से मंदिर की लोकेशन को भी और सेलिब्रेट होली का भी प्रोग्राम का करेंगे। तो तकरीबन 11 महीने हो गए, अभी तक तो कोई सिलसिला ऐसा हुआ नहीं है। मंदिर की हालत जो है वो बड़ी खस्ता हालत है। मंदिर के अंदर अगर बाथरूम्स देखें तो वो टूटे हुए हैं, दीवारें देखें तो वो टूटी हुई हैं और जगह जगह से जो मंदिर है वो टूट फूट का शिकार है। तो अगर मिनिस्टर साहब ने आपको कहा कि हम आपको फंड्स देंगे, हम इस पर लगाएंगे, इसकी आराइश करेंगे, तो आप लोगों ने उनसे कोई अप्रोच अभी तक की है कि नहीं की? एक दफ़ा हम लोग गए थे उनसे, फिर कोरोना के हवाले से उनका तबीयत नासाज हुआ, फिर हम दोबारा उनके पास गए नहीं। अब चाह रहे हैं कि अपनी एक सभा को लेके एक अपना लेटर पैड पे लिख के उनसे रابطہ करें,
ताकि हमारी दादरसी हो जाए। अभी जैसे कि हम बाहर से एंटर हुए हैं तो बाहर तो काफ़ी सारी दुकानें जो है वो मंदिर की बाहर दीवार के साथ बन गई हुई हैं, तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये आपके बाहर मंदिर में दुकानें बना ली हैं, उनसे आपका सिलसिला है या आप लोगों ने इनको बैठाया है या उनका किराया आप लोगों को आता है? देखिए जी, इसके हमारे पास कोई रिटर्न भी नहीं है और ना ही हमारा कोई रिकॉर्ड है कि हमने बार्मिक सभा के जो कर्ता धरता हैं इन्होंने बाहर दुकानों वालों को बैठाया हो, या जो मंदिर की दुकानें 12-14 दुकानें हैं या हमने उनको बैठाया हो और हम उनका पैसा ले रहे हैं। ये जो मंदिर के फेस के साथ भीम स्ट्रीट के जो खोखा हैं, 6 खोखे हैं, इसका तल्लक इनका तल्लक है कॉरपोरेशन जो होता है बाजारी के जो हैं उन्हीं से वो पैसा वैसा लेते हैं, वो जो वो अदा करते हैं। बाकी जो 12-14 दुकानें हैं ये वाल्मीकि मंदिर की प्रॉपर्टी हैं। वाल्मीकि मंदिर प्राइवेट मंदिर है। ये वाल्मीकि अछूत मंदिर जो है ना, ये महकमा काव के हिंदू काव में नहीं आता। जो हिंदू काव में हैं वो ही मंदिर, उनका तलक महकमा काव से है, हमारा उनके साथ कोई तलक नहीं है। कौन से मंदिर जो हैं वो महकमा काव में या महकमा मंदिर का वक्फ इमलाक के अंडर आते हैं? जैसे ये कृष्णा मंदिर है, इसके अलावा और भी मंदिर ऐसे हैं कि लाहौर से बाहर भी हैं, या लाहौर में जो मंदिर जिन पे कब्ज़ा हो चुका हुआ है वो फंक्शनल नहीं है, रनिंग में नहीं है, तो वो भी महकमा काफ के ही अंडर में आते हैं और हमारा महकमा काफ के शेड्यूल में नहीं है। अच्छा बनसा, मुझे एक ये बात बताएं कि एक मंदिर बदामी बाग में लारी अड्डे में मौजूद है, वो जो है वो मंदिर उसकी इमारत भी बिल्कुल बोसीदा है और वहाँ पर लोगों का कब्ज़ा है, उसके हवाले से कोई आपको अगर कोई उसकी हिस्ट्री का पता हो तो वो भी बताइए। सॉरी, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। बाकी तो जो मैंने बता दिया कि जो इधर कब्ज़ा ग्रुप में हैं वो भी महकमा काफ के शेड्यूल में ही हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी इबादत का सिलसिला है वो किस किस दिन होता है? जैसे कि देखें, इस्लाम में जुमे का दिन ख़ास रखा गया इबादत के लिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी में इतवार का दिन ख़ास रखा गया है, तो आपका भी ख़ास दिन होता है इबादत का? देखिए, इबादत सनातन धर्म के हवाले से इबादत तो रोज़ाना ही शाम को 2 टाइम की हमारी इबादत, एक होती है प्रभात वेला जिसको बोलते हैं यानी कि सुबह का, और सेकंड टाइम में संध्या का टाइम होता है। ये 2 टाइम की जो है ना इबादतें हैं, और रोज़ाना में तो आते जाते हैं लोग, कोई ना कोई वो करता है, मगर एक दिन मखसूस है मंगल वाला। मंगल वाले दिन जो है ना वो इबादत होती है, उसमें लोग औरतें मर्द ऐसे इकट्ठे होते हैं तो दुआ नमाज पढ़ी जाती है पूरे आलम के लिए, पाकिस्तान के लिए, सबके लिए शांति की दुआ। कितने लोग जो हैं वो मंदिर में आते हैं? बस आ जाए तो कोई 10-15-20 तक हो भी जाते हैं, कभी ऐसे भी होता है कि 5-7 भी होते हैं, ऐसे हो जाता है बाज़ुकात में। इतने कम लोग क्यों आते हैं आपकी इबादत में? बस ये हमारी माइनॉरिटी जो है ना इधर नहीं है, इस वजह से कोई चंद फैमिलीज़ हैं तो वो चंद फैमिलीज के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, वो दूसरे भी लोग बहन भाई जो कोई गर्जबंद होता है जैसे भी कि जो अतिशत वो पढ़ते हैं मजहब को पढ़ते हैं वो भी लोग आ जाते हैं, वो भी शामिल, वो खा किसी भी तल्लक रखते हैं मजहब से नहीं। ज़रा से यही मालूम हुआ है कि कुछ जो हिंदुज़म के जो लोग हैं वो दूसरे मज़ाहब को अख्तियार कर रहे हैं, इसका इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? नहीं, ऐसे होता तो रहा है, मगर अब तो काफ़ी हमने भी इसी तरह प्रोग्रामों पे आवाज़ उठाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के मज़हब को ऐसे लोगों को ऐसा, ये तो फिर सरासर ऐसा करने से बुराई भी बढ़ेगी और नुकसान भी होगा, तो अब बेहतर भगवान की बड़ी कृपा से कि रोकथाम हो चुकी हुई है। कहीं इसकी ये वजह तो नहीं है कि जो आपका इल्म है, आप जो दीनी तालीम उनको देते हैं उसमें कहीं पे कोई ऐसा आ रहा है कि दूसरे लोग जो हैं वो जो आपके मज़हब के हिंदू कम्युनिटी के हिंदुज़म के लोग हैं वो दूसरे मज़हब में जाना चाह रहे हैं या दूसरे मज़हब को अख्तियार करना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखें, ये धर्म जब
शुरू से ये चला आ रहा है और इसी धर्म से ही आगे निकलते गए लोग, मुख्तलिफ मज़हबों में बढ़ते गए, तो सनातन धर्म को तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। सनातन धर्म तो सबका है, वहीं अपनी जगह पे है कायम दायम। और इसमें ऐसी बात नहीं कि हमारी कोई मुकद्दस किताबों की वजह से या देवी देवताओं में कोई इतना मैं भगवान मुझे माफ़ करे कि लोग इनकी वजह से चले गए या उनको हमारी किताबों में कोई शऊर या उनके पढ़ने ने लिखने में या उनको मज़हब का पता नहीं लगा तो वो सिर्फ चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। ये तो अपनी एक सोच की बात है कि बंदे ने कहाँ धरती पे आया है। जो अल्लाह ने जहाँ जिसको पैदा कर दिया वो कानून इलाही है, उस कानून को अगर मैं मुझे हिंदू में पैदा कर दिया भगवान ने तो अब मैं दूसरे किसी मज़हब में चला जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद गया हूँ, भगवान ने जहाँ मुझे भेजा है मैंने उसके कानून को तोड़ के अपनी मर्ज़ी का कानून बना के अपनी मर्ज़ी से जहाँ चला गया तो मैं वहाँ चला गया हूँ, मगर मुनकर हुआ मैं भगवान का। तो मैं अभी सोचों की बात है, मैं आगे आपका कहने का मतलब ये है कि जो जिस मज़हब में आया उसको उस मज़हब में रहना चाहिए, उसको दूसरे मज़हब में नहीं जाना चाहिए। देखें दुनिया के अंदर जो मज़ाहिब आए हैं उसके लिए जो जिस जिस मज़हब में जो लोग आए हैं वो बिला तफरी किसी भी मज़हब का हो लेकिन वो दूसरे एक दूसरे के मज़हब को जानते हैं, तो अगर जहाँ से उसको कुछ समझ आती है क्या वो उसमें उस वक्त तब वो मज़हब इख्तियार करना चाह रहा है या कोई उनके साथ कोई ऐसा उनको बताया जा रहा है कि नहीं आप हमारे मज़हब में हैं, कोई इस तरह की कोई कोई किसी किस्म की बात है तो वो बताइए। नहीं मैंने तो आपको क्लियर मैंने बता दिया है कि जैसे आपने कहा कि जहाँ जहाँ भी जो पैदा अल्लाह की ज़ात ने किया है तो वो ठीक है, अगर वो एक दूसरे को दूसरे किसी मज़हब में लाता है ले जाता है या करता है या उसको कायल करता है तो फिर इसमें उस बंदे की बंदे के साथ ही बातचीत है ना, वो तो इलाही के कानून को तोड़ने वाली ही बात है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिसको जहाँ पैदा कर दिया वो तो ये इलाही ने पैदा किया, अब बंदा जब बंदे को आके दूसरे मज़हब में ले जाता है वो फिर उसका मुनकर होता है, उसके कानून को नहीं मानता, वो अपने कानून से फिर बंदे को ले कर जाता है, ये तो फिर सोच की बात है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मैंने ये मंदिर में देखा है कि बहुत सारे भगवान जो हैं उनकी तस्वीर आपने लगाई हुई हैं, तो क्या ये अलग अलग भगवान को आप अलग अलग से किधर से मानते हैं या उसके लिए एक ही अकीदा है? देखें श्लोक में आया है अक्कम सत्य व प्रभु वदा वदंती, इसका तर्जमा है कि मैं एक हूँ और मेरे रूप अनेक हैं, क्या इंसान तू मेरे रूपों को नहीं समझ सकता, जिस रूप में भी तू मुझे याद कर ले मैं तेरा और तू मेरा। और भगवान एक ही है, श्लोक में बता दिया कि मैं एक हूँ, ये आगे भगवान के रूप हैं, जिस रूप में भी भगवान को याद कर लें तो उसी रूपों में वो बंदा उसी के मानने वालों में शाम, मुझे तो कोई राम जी की पूजा करने वाले हैं, कोई कृष्णा जी की पूजा करते हैं, कोई माता शेरों वाली की, कोई कालका माता जी की पूजा करते हैं, कोई वाल्मीकि जी महाराज के मानने वालों में आते हैं। भगवान एक ही है, ये नहीं होता है कि भी अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए कसम खाने की भी किसी वजह से तो हम जब कहते हैं कि ऊपर वाले मेरी मदद करना, हम लोग नहीं ये कहते कि ऊपर वालों मेरी मदद करना, अगर हम कहें कि ऊपर वालों मेरी मदद करना तो इसका मतलब है भगवान बेशुमार हैं, अगर हम कहते हैं कि ऊपर वाले मेरी मदद करें इसका मतलब है कि वो एक है, वही एक वाल्मीकि जी महाराज का भी नारा स्लोगन यही है कि वो एक, वो एक है। इसका मतलब यही है कि मानते आप एक खुदा को ही हैं, वो जितने भी भगवान आए हों आपका कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात उसी में से होकर गुजरती है, इसलिए आप जो है वो इतने भगवान को उसकी सूरत में मानते हैं लेकिन मानते आप एक खुदा को हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताया ना कि मैं एक हूँ और मेरे रूप बेशुमार हैं, तो भगवान तो फिर एक ही है, उसके आगे रूपों में भी अगर माना जाए देखा जाए तो वो नूर एक ही, उन्हीं में भी वही नूर निकलता है चमकता है और इंसान को रहमतें बरकतें देता है। अच्छा मतलब साहब आखिर में जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये विजन है कि तमाम मिनोरिटीज़ के लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे, जिस तरह के इन्होंने करतारपुर बनाया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने और पूरी दुनिया जो है वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की,
और साथ ही साथ जो सिख कम्युनिटी है वो तो उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि करतारपुर को उनके लिए जो है वो नए सिरे से बनाया गया और एक यादगार जो है वो इबादतगाहें सिखों के लिए जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनाई हैं। तो इसी तरह से आप भी कोई वज़ीर आज़म इमरान खान को या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को कोई अपनी रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई अपील करना चाहें? देखिए कि जितनी भी पाकिस्तान में हुकूमतें आई हैं सब ने अपने अपने किरदार को खुश सुरूबी से ही निभाया है, और ये जो हुकूमत इस वक्त पीटीआई की आई है ये इमरान खान का हम बड़ा धन्यवाद कहते हैं कि इन्होंने वो चीज़ें नैब की सूरत से करवाई जो पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने आज तक की, यानी कि जो करप्शन जिन्होंने बड़ी बड़ी करप्शन की को पाकिस्तान को, तो उनको भी जो है ना कटहरे में ले आए। और मुकद्दस मकामात की मनारटी के हवाले से जैसे करतारपुर का बड़ा इनिशिएटिव लिया इमरान खान साहब ने, और उनके पता नहीं कि 45 मंदिरों का उन्होंने कहा कि या इससे ज़्यादा कोई मेरा ख्याल मंदिरों की तमीर और तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान पीटीआई ने जो है ना इनिशिएटिव लिया है कि भी इनके लिए हम अच्छा तासुर पैदा करेंगे ताकि इनका भी मनोरिटी में मंदिरों की तमीर और तरक्की हो और लोग अपने अपने मज़हब के हवाले से चलते रहें। तो मैं भी अब मौजूदा हुकूमत से यही कहूँगा कि मंदिर बाल्मीक नीला गुंबद के भी हालात इज़हार को तरफ देखा जाए, तो जितना आपने जहाँ इतना पूरी दुनिया में नाम पैदा कर लिया पीटीआई ने, ये करतारपुर का भी करके तो दूसरे मनादर जो है ना उनको भी, तो इधर भी ज़रा नजर सानी करें। हमारी भी दुआएं आपके साथ साथ हैं पूरे आलम के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कि ऐ भगवान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान से प्यार करो, प्यार करो इंसानियत से, प्यार करो। अल्लाह हाफिज़। जी मेरे साथ है यहाँ पर एक और मकामी शहरी और इस मंदिर में जो पूजा करने आते हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम पतरस जॉर्ज है और मैं यहाँ का रहायशी हूँ। हम शुरू से इधर ही हैं, हमारे बौजदाद जिसमें मेरे दादाजी बंताराम, मेरे जो चाचा जी थे वो मोटा पहलवान सादक और चाचा सादक उर्फ सदी पहलवान और महाराज तारा भगत और महाराज लबा भगत, ये हमारे अबाजदाद, इनकी विरासत से हम इधर से चलते आ नहीं, और जो कुछ उन्होंने अकीदत के लिए कहा हुआ वो चलता है इधर, और शुरू से हम इधर ही हैं और अपने तौर पे हम ये सारा सर अंजाम देते हैं। इसमें मसीह बरादरी भी है जिसको जुमला बरादरी कहते हैं, और हम सब इकट्ठे ये सिलसिला चला रहे हैं और उसके लिए हम हाँ जी आबाद कर चला रहे हैं, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं मुल्क पाकिस्तान के कि वो सबको आज़ादी देता है। जी नाज़रीन, आपने पंडित लाल खोखर की बातें सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान आरिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले नए प्रोग्राम में। अल्लाह निगेबान।